नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों में छिपा है हर सवाल का जवाब। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के बारे में। सभी ग्रंथों में से श्रीमद् भागवत गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से लेकर द्वापर युग में कृष्ण की सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। भागवत गीता पुनः अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद पर आधारित पुस्तक है। गीता में ज्ञान युग का कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एकेश्वरवाद आदि की बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। गीता मनुष्य का कर्म का महत्व समझाती है। गीता में श्रेष्ठ मानव जीवन का सार बताया गया है। इसमें 18 ऐसे अध्याय हैं जिनमें आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब और आपकी हर समस्या का हल मिल सकता है। पहला अध्याय। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें 46 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मन की स्थिति का वर्णन किया गया है। किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। दूसरा अध्याय। गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग प्लस कुल 72 श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। इसे बेहद महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तीसरा अध्याय। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग और इसमें 43 श्लोक है। कृष्णा इसमें अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। चौथा अध्याय। ज्ञान कर्म संन्यास योग गीता का चौथा अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक है। अर्जुन को इसमें कृष्ण बताते हैं कि धर्म पारायण के संरक्षण और अधर्म की विनाश के लिए गुरु का आध्यात्मिक महत्व है। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग गीता का पांचवा अध्याय है, जिसमें 29 श्लोक है। अर्जुन इसमें कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग बेहतर है। छठवा अध्याय आत्मसंयम योग गीता का छठा अध्याय है, जिसमें 47 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग गीता का सातवां अध्याय है, जिसमें 30 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और उसके भ्रामक ऊर्जा माया प्लस के बारे में अर्जुन को बताते हैं। आठवां अध्याय गीता का आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग है, जिसमें 28 श्लोक है। गीता के इस पाठ में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत शामिल है। इसमें मृत्यु से पहले युक्ति को सोच, आध्यात्मिक संचार, संसार तथा नरक और स्वर्ग को जाने की राह के बारे में बताया गया है। नौवा अध्याय राजविद्या राजग्रह योग गीता का नौवा अध्याय है, जिसमें 34 श्लोक है। इसमें यह बताया गया है कि श्री कृष्ण आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्याप्त बनाती है, उसका सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है। दसवां अध्याय
विभूति योग का गीता का 10वां अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्व और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं। 11वां अध्याय विश्व स्वरूप प्रदर्शन योग का गीता 11वां अध्याय है, जिसमें 55 श्लोक है। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण अपना विश्व स्वरूप धारण करते हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग का गीता 12वां अध्याय है, जिसमें 20 श्लोक है। इस अध्याय में कृष्ण भगवान भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं। इसके साथ ही वह भक्ति योग का वर्णन अर्जुन सुनाते हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग गीता 13वां अध्याय है, इसमें 35 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में तथा सत्व रज और तम गुणों का द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं। 14वां अध्याय गणत्रय विभाग योग इसमें श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण सत्व रज और तम गुणों तथा मनुष्य की उत्तम मध्यम अन्य गतियों में विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अंत में इन गुणों को पाने का उपाय और इसका फल बताया गया है। 15वां अध्याय गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, इसमें 20 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। 16वां अध्याय दवासुर संपत्ति विभाग योग गीता 16वां अध्याय है, इसमें 24 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग गीता 17वां अध्याय है, इसमें 28 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान है होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर यज्ञ पूजा आदि शुभ कर्म तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग गीता 18वां अध्याय इसमें 78 श्लोक है। यह अध्ययन पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से न्याय यानी ज्ञान योग का त्याग और अर्थ फलाशक्ति रहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करती है। दोस्तों, आपको श्री कृष्ण की भागवत गीता की 18 अध्याय कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।